खबर है बलिया से। बलिया जिला के रसरा में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान मोर्चा 31 जुलाई को क्रांतिकारी उधम सिंह के शहादत दिवस रसरा नगर के धान गांधी पार्क में मनाया गया। वह महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन प्रशिक्षु मोहम्मद उस्मान व कोतवाली प्रभारी को पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर किसान नेता राघवेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह किसान विरोधी एवं पूंजीपतियों की सरकार है। केंद्र सरकार से मांग किया गया कि किसान आंदोलन में एवं शहीद परिवारों को मुआवजा देने के साथ ही FIR खारिज करने एवं उत्तर प्रदेश को सूखा राहत पैकेज घोषित करने तथा KCC में जीवन बीमा धारक किसानों का कर्ज माफ करे। इस मौके पर धर्मचंद, शिव पूजन, सदानंद गौतम, ओवेस असगर, ब्रजेश यादव, विजय कुमार, रामाधर व सहित सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद है। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। और संयुक्त किसान मोर्चा का मैं बलिया का संयोजक हूँ। आज रसरा थाने पे दर्जनों की संख्या में आज उपस्थित हैं, क्या समस्या और क्या मामला है? समस्या ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ऑल इंडिया के तरफ से आज के दिन जो है शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में किसानों के साथ जो सरकार ने जो छल किया था, जो किसानों के साथ वार्ता हुई थी गाजीपुर बॉर्डर पर, उस वार्ता को सरकार ने विफल कर दिया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और आज ज्ञापन देने का मेन उद्देश्य क्या रहा? हम लोगों का ज्ञापन देने का मेन उद्देश्य है कि वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है वो जन विरोधी कानून लागू कर रही है, किसानों के साथ MSP कानून अब तक नहीं बनाया। 2000 में जो बिजली बिल प्रस्तावित किया है जो किसानों की कमर तोड़ देगी उसको वापस नहीं किया। अग्नि जो पथ है, जो योजना है, उस योजना को ये निजीकरण का योजना है, प्राइमरी में और जूनियर स्कूलों को निजीकरण में दिया जा रहा है, जितने सरकारी जो पद है खाली है उसको भरा नहीं जा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है।